प्राय देखा गया है कि जब फसल जो है दाना भरने की अवस्था में आती है, जैसे कि ये नवंबर के शुरू में जो लगी हुई फसल है उसमें दाना भर रहा है, और जो दिसंबर में आके लगी है, नवंबर के आखिर में लगी है, उसमें जो है वो अभी जो है बालियां निकल रही हैं या बालियों में एंथेसिस हो रहा है, दाना बनना शुरू होने वाला है। तो ये क्रिटिकल बड़ी स्टेज होती है, जब दाना भर रहा होता है तो उस वक़्त सिंचाई करना बहुत आवश्यक होता है। इसमें ये ख्याल रखें कि सिंचाई जब आप करें उस वक़्त हवा तेज़ नहीं होनी चाहिए, प्रायः शाम को हवा जो है उसकी गति कम होती है, दिन में हवा की गति ज़्यादा होती है। तो सिंचाई इस अवस्था में जब भी आप करें, आप इसको दिन ढलने के बाद ही करें। दूसरा ध्यान रखने वाली बात है कि पानी अधिक ना हो। अगर आप ज़्यादा पानी दे देंगे और खेत को भर के रख देंगे तो उसकी जड़ें जो है लूज हो जाए, कमज़ोर हो जाएंगी और पौधे गिर जाएंगे। इस वक्त जो है मौसम गर्म होता जा रहा है, तापमान जो है सामान्य से अति अधिक चल रहा है। गेहूँ में अगर सामान्य से ज़्यादा अधिक जो तापमान हो जाता है तो दाने जो है छोटे हो जाते हैं। इसके लिए भी ये आवश्यक है कि सिंचाई अगर आप देंगे तो इससे तापमान भी कम होगा और उसकी कमी नहीं आएगी, दाने जो हैं आपके अच्छे बनेंगे। ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम के थ्रू जो है वो जो है पोटाशियम क्लोराइड का घोल बना के अगर आप इसका स्प्रे करें, बहुत हल्का घोल बनता है, 2 ग्राम प्रति लीटर, तो 1 एकड़ में 400 ग्राम लगेंगे। और इसका अगर आप स्प्रे जब ये दाने बनने शुरू होते हैं, जैसे दिसंबर वाली क्रॉप है जिसमें दाना बनना शुरू हो रहा है और गर्मी भी है और सारा दाना जो है गर्मी में भरना है, उसमें आप पोटाशियम क्लोराइड का स्प्रे करेंगे तो बहुत आपको लाभ होगा, उसमें पैदावार भी बढ़ेगी और उसका जो दाना है वो भी मोटा बनेगा। दूसरी समस्या होती है कि दाने में काले निशान पड़ जाते हैं, काला सिरा, एक वो समस्या होती है। और दूसरा होता है एक फोलियो ब्लाइट्स, पत्ता जो है वो जलना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा कि इस स्टेज में आम तौर पे इसकी समस्या काफ़ी आती है, जिसे पत्ता झुलसा जो है वो होता है। अगर वो आता है तो दोनों चीज़ों को रोकने के लिए आप मेनकोजब जो है उसका अगर आप स्प्रे करेंगे तो आपका एक तो पत्ता झुलसे की जो रोग है वो कम होगा, और दूसरा जो दाने में काला सिरा आता है, कनाल बंड डिफरेंट होता है, एक काला सिरा सिर्फ दाग सा होता है काला सा, और लेकिन उससे भी कीमत जो है दाने की कम हो जाती है। काला सिरा रोग को कम होगा और साथ ही साथ में आपका झुलसा रोग, पत्ती का झुलसा रोग जो है वो उस पर भी नियंत्रण होगा।